आप सभी के साथ भी ऐसा होता है कि कई बार आप सभी अपने YouTube पर वीडियोस डालते हो, कुछ वीडियोस पर व्यूज तो आते हैं लेकिन कुछ पर नहीं आते। लेकिन कभी ऐसा सोचा कि आप सभी वैसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर अपने वीडियोस बनाओ जो रैंकिंग में हो, जिसकी वजह से आप सभी के वीडियोस पर व्यूज बढ़ सके। ऐसा अगर नहीं सोचा तो भी आप सभी के साथ मैं ऐसे कई सारे टिप्स जो है शेयर करूंगी, जहां सर आप सभी अपने वीडियोस कैसे अपलोड करने हैं, कौन से टॉपिक पे बनाने हैं, कैसे मैनेज करना है, यानी कि मैनेजमेंट, अपलोड ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो अपना यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस को, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आप सभी को यूट्यूब से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले आज के टिप नंबर वन के बारे में, वो ये है कि यूट्यूब सर्च के थ्रू ही आप सभी को एक ऐसे टॉपिक के बारे में पता चल सकता है जो रैंक पर हो, जिसकी वजह से आप सभी के व्यूज और रैंकिंग आपके वीडियोस की बढ़ सके। इसके लिए आप सबको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपना एक नीच यानी कि एक कैटेगरी जो है डिसाइड करनी है। तो चलिए आप सभी को अपने फोन के स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आप सभी को यानी कि पहला टिप बताऊंगी कि कैसे यूट्यूब सर्च से आप सभी अपने नीच के बारे में जान सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सर्च करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि बिटकॉइन सर्च करेंगे जैसे ही, तो अभी हम लोग यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब के सर्च आइकन पर जाकर वहां पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं बिटकॉइन सर्च करूंगी। तो यहाँ पर बिटकॉइन, बिटकॉइन न्यूज टूडे, बिटकॉइन ट्रेंडिंग फॉर बिगनर्स, इतने सारे सर्च जो है आप सभी को दिखते हैं और ये सारे जितने भी सर्च कीवर्ड्स है ना, ये सारे रैंक वाले हैं, जो भी टॉप रैंकिंग में है। तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक पिक करके अपना वीडियो बना सकते हो और 90% चांसेस है कि आप सभी के व्यूज भी इस पर बहुत अच्छे आएंगे। अब बात करेंगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपके चैनल को ऑप्टिमाइज भी करेगा, मैनेज भी करेगा और आप सभी को अच्छे अच्छे कीवर्ड्स के सजेशन भी देगा। आप सभी को अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाकर विड आईक्यू सर्च करना है। जैसे आप सभी विड आईक्यू सर्च करोगे कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं जस्ट इसको ओपन करूंगी और यहाँ पर मैं जाऊंगी, यहाँ पर डैशबोर्ड दिख रहा है तो डैशबोर्ड में रिसर्च पे जाएंगे। रिसर्च पे जैसे जाओगे तो बिटकॉइन का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बिटकॉइन लिखा है उसका सबसे पहले ओवरऑल स्कोर आप सभी को दिख रहा है कि 100/90 है। अब यहाँ पर जो भी चैनल है जिन्होंने इसको सर्च टॉप में, जो भी टॉप चैनल है जो इसको सर्च करते हैं या इसके ऊपर वीडियोस बना रखी है, वो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। कीवर्ड जो है रिलेटेड सारे दिख रहे हैं। यहाँ से भी आप सभी कीवर्ड जो है पिक करके वीडियोस बना सकते हो, साथ ही साथ अपने टैग टाइटल में भी डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल सकते हो। अब बात करेंगे डेली आइडियाज की, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा सेक्टर है जहां से आप सभी को डेली आइडियाज मिलते हैं, जिस पर आप सभी अपनी वीडियो बना सकते हो। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यहाँ से आप सभी इसको आसानी से सेव भी कर सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक को देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई आपके विड आईक्यू के बारे में। ऑप्टिमाइज का भी ऑप्शन है यहाँ डैशबोर्ड पर, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन ये आप सभी के चैनल यानी वीडियोस को ऑप्टिमाइज करेगा, आपके लिए अच्छे कीवर्ड सजेशन देगा। अब आज का हमारा जो थर्ड टिप है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। आप सभी को अपने ब्राउजर पर जाकर गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप सभी को पहले वाले लिंक पर यानी वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप सभी को इंटरफेस जो है गूगल कीवर्ड प्लानर का कुछ इस तरीके का दिखेगा। इससे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, गूगल एड्स के थ्रू जो है यहाँ पर लॉगिन करना होगा। जैसे लॉगिन करोगे आप सभी कीवर्ड प्लानर पर जाकर अपने कीवर्ड सर्च कर सकते हो, ये बिल्कुल ही फ्री है। और अब बात करेंगे हमारा आज का फोर्थ टिप जो है वो है ubersuggest.com। तो ubersuggest.com जैसे ही आप सभी ओपन करोगे, पहले वाले वेबसाइट पर जाना है, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप सभी को यहाँ पर अपना कोई भी डोमेन डाल देना है, मैं बिटकॉइन डाल दे रही हूँ, कंट्री जो है एज यूजुअल अभी रहने देते हैं और सर्च पेज को डाल देते हैं। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ से सर्च वॉल्यूम दिख रहा है, एसईओ डिफिकल्टीज दिख रही है, पेज डिफिकल्टी, कॉस्ट पर क्लिक भी दिख रहा है इसके ऊपर। तो आपसे भी अपना जो भी नीश हो डिसाइड कर लेना और यहाँ पर सर्च करना, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज सजेशन पे मिलेंगे और ये बिल्कुल ही फ्री है। और अब बात करेंगे आज के फिफ्थ नंबर टिप के बारे में, तो वो है आंसर द पब्लिक। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सभी को बहुत सारे ऐसे, यहाँ से बेसिकली आप सभी को पब्लिक को जो पब्लिक के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आंसर किया जाता है और यहाँ से आप सभी उन क्वेश्चन पे ना अपने वीडियोज बना सकते हो, क्योंकि वो रैंकिंग वाले होते हैं। ये एक तरीके का एसईओ प्लेटफॉर्म है जहां से आप सभी उन क्वेश्चंस पर अपने एक चूजी टॉपिक पे की टॉपिक निकाल लो, जो आपका नीश है उसके ऊपर यहाँ पर सर्च करना, उसके बाद आप सभी को एक कंटेंट मिल जाएगा उस पर, यानी एक टॉपिक मिल जाएगा उस पर वीडियो बनाना है बस। एग्जांपल यहाँ पर भी क्रिप्टो करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पर मैगी सर्च की तो यहाँ से बहुत सारी चीजें ओपन होंगी, कुछ समय ले रहा है प्रोसेस होने में, लेट्स सी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस तरीके के, अभी वो सर्च ले नहीं रहा है, मे बी कुछ सर्वर इश्यू हो।
तो जैसे आप अपना कोई टॉपिक सर्च करते हो ना, तो कुछ इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आप सभी को दिखेंगे, विच शॉर्ट्स आर राइट फॉर मी, ये यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। तो ऐसे ही आप सभी को क्वेश्चन दिखेंगे और इसी क्वेश्चन में से एक को आप पिक करके अपना कॉन्टेंट बना सकते हो, अपने वीडियो बना सकते हो। अब बात करेंगे आप सभी के पास वीडियोस के बारे में। जो भी आप सभी यूट्यूब पर अपने एक पुरानी वीडियो कोई हो जो बहुत ज्यादा वायरल हुई हो या उस पर सबसे ज्यादा व्यूज हो, तो आप सभी को बस अपने YT स्टूडियो पर जाना है, वहां से चेक करना है कि उसके सर्च टर्म में क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप सभी ये सोच पाओगे कि इसी सेम टॉपिक पर आप सभी दूसरी वीडियो बनाते हो तो क्या सेम व्यूज आते हैं। ऑब्वियसली सेम व्यूज आएंगे, कुछ ज्यादा व्यूज भी आ सकता है, सेम ही नहीं बोलेंगे, ज्यादा व्यूज आ सकता है, इससे थोड़ा कमा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो वायरल होने के चांसेस है क्योंकि ऑलरेडी आपका वो वीडियो रैंक कर चुका है। तो आप सभी को सजेशन जो है YouTube की तरफ से ही आता है कि आप ऐसे सजेशन, मतलब आपने पुराने जो पास वीडियोस हैं उससे रिलेटेड और भी टॉपिक पर बना सकते हो। तो चलिए एक बार आप सभी को वो भी मैं दिखा देती हूँ। इसके लिए आप सभी को अपने फोन पर YT स्टूडियो रखना है। जैसे ही YT स्टूडियो पर जाना है तो एनालिटिक्स में जाना है। एनालिटिक्स में जैसे ही जाएंगे, सबसे पहले नहीं, एक अपने चूजी वीडियो को ऑप्ट कर लें जो सबसे ज्यादा अभी तक वायरल हो रखा हो, तो उस पर हम लोग जाएंगे। और जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से हम लोग इसके व्यू मोर ऑप्शंस पे जाएंगे। यहाँ से अभी इसका ओवरव्यू देख लेंगे। तो ओवरव्यू में देख सकते हो की मूवमेंट्स और ऑडियंस रिटेंशन, यहाँ पर ऑडियंस का भी आप सभी को रिटेंशन दिख रहा है कि कितने सारे यहाँ पर जितने व्यूअर्स है आपके कहाँ से हैं, और टाइपिकल मतलब आपका टाइपिकल व्यू क्या गया है, रियल टाइम यहाँ दिख रहा है, ट्रैफिक सोर्सेज दिख रहा है, लेकिन हमें रीच पर जाना है, सजेस्टेड वीडियोज, एक्सटर्नल साइट्स। सो यूट्यूब सर्च आइटम जो है यहाँ से आप सभी को दिख रहा है कि क्या है, तो यहाँ से आप सभी को इनमें से भी एक सजेशन को लेकर यानी सर्च टर्म में से एक को लेकर फिर से वापस से इसे वीडियो बना सकते हो। अब बात करते हैं अपने दूसरे मतलब अगले टिप के बारे में, वो ये है कि जो भी फेमस यूट्यूबर होते हैं उनसे भी आप उनके भी कुछ टॉपिक लेकर, उनके टैग हैशटैग देकर, डिस्क्रिप्शन देकर वैसे रिलेटेड वीडियो भी बना सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अब जैसे ये पीएस वर्ल्ड है, इसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, 6 लाख समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं। अब इसके कुछ वीडियोज के मैं टिप्स लेकर यहाँ से उस पर भी बना सकती हूँ, कुछ डिस्क्रिप्शन देख लूंगी कि डिस्क्रिप्शन में क्या डिस्क्रिप्शन यूज किया है, कैसे हैशटैग्स हैं, क्या है। तो यहाँ से इसका कुछ कंटेंट देखकर जो भी फेमस यूट्यूबर है वहां उससे रिलेटेड हम लोग भी वीडियोस अपने यूट्यूब पर बना सकते हैं। अगला स्टेप है, यानी कि आज की अगली टिप जो है वो है ट्यूबबडी। आप सभी को अपने फोन पर इंस्टॉल करना है, तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, आपको दिखा देती हूँ। ट्यूबबडी कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर वीडियोज का सेक्शन है, कॉमेंट्स है, माइलस्टोन है, न्यूज है, तो न्यूज पे भी जाओगे यहाँ पर भी आप सभी को बहुत सारे सजेशन मिल जाएंगे। यहाँ से आप सभी अपने एक नीश जो है डिसाइड कर सकते हो या फिर कॉन्टेंट डिसाइड कर सकते हो। टैग एक्सप्लोरर पर आप सभी जाकर टैग सर्च कर सकते हो, टॉपिक प्लानर है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सभी अपने वीडियोस को कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो आई होप एवरीवन कि आप सभी को सारे टिप्स समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप सभी मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बात करेंगे वैसे लोगों के लिए जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि शुरुआत कहां से करें, तो उनके लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया है। आप सभी जैसे ही चेक करोगे तो देखोगे कि आप सभी को 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग का डेमो क्लास मिल रहा है। ये सिर्फ डेमो क्लास नहीं है, इसके थ्रू आप सभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में A to Z सारे नॉलेज ग्रैब कर पाओगे। साथ ही साथ ये भी सीखोगे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने लिए एक अर्निंग का नया सोर्स जनरेट कर सकते हो। तो देर किस बात की, चलो जल्दी करो जॉब, अपने आप को रजिस्टर करो 5 दिनों के फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास के लिए। सो एवरीवन, अगर आप सभी को ये सारे टिप्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक भी करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। उम्मीद ये भी है कि आप सभी ये सारे टिप्स को अपने चैनल पर इम्प्लीमेंट करोगे ताकि आप सभी के चैनल की वीडियोस की रैंकिंग बढ़ सके, साथ ही साथ व्यूज भी बहुत सारे आ सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे जितने भी टिप्स हैं आप सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर यू ऑल, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। बाय।